हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड। तो आज हम लोग जा रहे हैं शाम के टाइम पे गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। तो हमने सोचा कि यार जब गाड़ी ले रखी है तो एक रिव्यू भी बनता है, आप लोगों को बताया जाए कि कैसी है क्या है। बस कुछ दिनों से मैं भी यूज कर रहा हूँ एंड दी तो काफी टाइम से यूज कर रही है, तो हम दीदी से आज जानेंगे सब कुछ कि ये गाड़ी कैसी है, क्या है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अगर कोई व्यूअर लेना चाहता हो। बाकी हम प्रॉपर रिव्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम वो वाले नहीं है ना, हमको इतनी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नहीं है मेरा, बट थोड़ा बहुत हम जो है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अपना एक्सपीरियंस। फाइनली हम लोग पहुंच गए, फिर यही लोकेशन है, यहीं पे रिव्यू करेंगे। सो ये है गाइस अपनी ऑल न्यू वॉक्सवैगन टाइगन हाईलाइन मॉडल, जो कि मिड मॉडल है, और मैं आप लोग को इसके ओनर से मिलाता हूँ। तो ये है हमारी दीदी, तो ये दीदी की गाड़ी है एंड रिसेंटली उन्होंने परचेज करी है। तो मैंने सोचा कि यार इसका हम लोग एक रिव्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक दो दिन से मैं भी इसको ड्राइव कर रहा था, तो हमने सोचा कि यार दीदी से कुछ रिव्यू लेंगे एंड उन्होंने किस पर्पज़ से ये बाई किया, उनको मतलब क्या क्या फीचर्स लगे एंड क्या क्या चीज़ें लगी जो उन्होंने इसको बाई किया। और अगर कोई लोग बाइक करना चाहते हैं तो वो लोग रिव्यू देख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हमारा ओपिनियन है हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो कुछ इस तरीके की जो है गाड़ी के साथ चाबी आती है, एकदम स्लीक सी जैसे गाड़ी है ना वैसी गाड़ी की चाबी भी है। और ये जो चाबी है ये आप लोगों को इसमें चाबी फोल्डेबल देखने को मिलती है इसके साथ एंड इसके टॉप एंड वेरिएंट के साथ, दोनों के साथ सेम चाबी आती है। सो सबसे पहले हम दीदी से पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है। चल, ये मुझे पड़ी है 14.95 में, जो मुझे इसका फाइनल प्राइस पे करना पड़ा। ऑल्दो मैंने इसमें 2 ईयर्स का सर्विस, फ्री सर्विस जो है ना, सर्विसिंग का लिया हुआ है एक्स्ट्रा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मुझे 14.95 का ओवरऑल पड़ा है। तो इस प्राइस रेंज में तो वैसे मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा कारें हैं, तो आपने यही क्यों चूज़ की? हाँ एब्सोल्युटली, इस प्राइस रेंज में स्पेशली मैं बोलूँ तो क्रेटा को लोग काफ़ी मतलब मुझे जो सजेस्टिव रहा था स्टार्टिंग में, सभी लोग क्रेटा लेने के लिए मुझे सजेस्ट कर रहे थे, बट क्योंकि मेरा वॉक्सवैगन के साथ में मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। मैंने काफ़ी ड्राइव की है वॉक्सवैगन की पोलो एंड पोलो, उसकी ड्राइविंग जो है वो आई डोंट थिंक यार किसी और कार में आपको मिलेगा वो कम्फर्ट चलाने में। काफ़ी यू नो जब आप ड्राइव करते एक ज़मीन से लगते हुए गाड़ी एंड स्पीड में आप ले रहे हो, आप कैसे चला रहे हो, वो बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, यू नो कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स ना, वही चीज़ इसके साथ है। तो यही मेरा मतलब अपना जो लेने का परसेप्शन था इसके पीछे यही। अच्छा, सो भी हम दीदी से पता करेंगे कि उनको सबसे खास इस गाड़ी में अभी तक क्या लगा है। इसकी खास बात की बात करूँ तो इसमें बेस्ट तो इसकी इंजन क्वालिटी है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, लाइक आप टाटा या किसी और गाड़ी को चलाते हो ना, मेरे पास फीगो भी है, जर्मन बेस्ड इंजन है इसका, मेन मोटो लेने का एक ये भी रहा है क्योंकि जर्मन बेस्ड इंजन का ना इतना यू नो इतना स्टेबिलिटी होता है इंजन में कि आप अंदर बैठे हो कार के आपको नीदर यू विल फील कि वाइब्रेशंस हैं और नॉइजी है, बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत सूदिंग है ड्राइविंग, यू विल जस्ट एंजॉय द ड्राइविंग, एक्चुअली बेस्ट थिंग अबाउट द कार। ओके, तो मतलब ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड काफ़ी नॉइज है, जो कि मैंने भी मतलब नोटिस किया, दो दिन से मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि गाड़ी में मतलब क्या क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ एंड इस कंपनी की तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारी गाड़ी ड्राइव की है पहले और इसका जो फील है भाई वो बहुत अलग है। तो बाकी गाड़ी के डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है एंड बहुत सी गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बम्पी सा लुक होता है, बट इसका डिज़ाइन जो काफ़ी स्लीक सा है एंड इसका एक यूनिक फीचर जो है ना, जो इसकी टेल लाइट है, ये देखो ये बहुत प्यारी लगती है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है और ये इसका सबसे यूनिक सा फीचर है। तो मैं एक बार आप लोगों को जो है गाड़ी के अंदर बैठ के आप लोगों को दिखा दूँ कि ये लाइट कैसी दिखती है, और शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बिकॉज दिन में उतना खास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट शाम को ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलो एक बार जो है मैं आप लोगों को इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो अभी हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है एंड आप देखो जो इसका लुक आता है ना यार, बहुत प्यारा, जो कि सिर्फ इसी गाड़ी में मिलता है और ये बहुत एक प्यारा सा लुक देता है गाड़ी को एंड लाइटिंग के जस्ट ऊपर से आप लोग को एक स्पॉइलर देखने को मिल जाता है जो कि इस गाड़ी को एक स्पोर्टी सा लुक देता है और बहुत प्यारा सा बनाता है। तब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड दिखाता हूँ गाड़ी का इंटीरियर किस टाइप का है एंड बाकी और चीज़ें। सो गाड़ी के अंदर एंटर करते ही आप लोगों को दिखता है जो इंटीरियर वो है एक ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में, जो कि बहुत अच्छा लगता है, वैसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड चलो डोर तो बंद करते हैं पहले, फिर करते हैं हम बाकी बातें। तो सामने पे आप लोगों को एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों पे सपोर्ट करती है, आप लोग इस पर एप्पल कारप्ले चला सकते हो एंड बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर आप लोगों को इस पर ड्राइविंग की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं एंड कार डैशबोर्ड
एंड नेविगेशन एंड काफी चीजें ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाती है इस पे। लाइक अभी मेरी गाड़ी है, भाई जब इसके पास रहता है ना, घर पे कार रहता है, वो कब इंजन स्टार्ट कर रहा है, कब इंजन ऑफ कर रहा है, मेरे को पता होता है। ये सबसे अच्छा फीचर है। करती हूं और उसको बताती हूं क्यों भाई गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो। एंड मुझे याद है एक दिन रात में वो गाड़ी लेके चला गया था और उसने मम्मी से बोला था कि मैं दीदी के यहाँ पे हूँ, अभी जो दीदी आप मेरे ख्याल से हमारे पता है आपको ताजी की रहती है, उनके यहाँ पे था। तो मैंने बोला अच्छा, तो काफी देर हो गई थी घर पे, पहुंचा नहीं, सब लोग सोच रहे हैं कहाँ पे है। तो मैं बोली रुको अभी बताती हूँ मम्मी कहाँ पे है। तो मैंने उसका लोकेशन ट्रैक किया, मम्मी को बोली मम्मी वो घूमने गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ पे, आप बात करो उसे, वो वहां नहीं है। तो ये इसका एडिशनल फीचर है और बहुत अच्छा है कि गाड़ी कभी भी कहीं भी भाई कहीं लेके जाएगा तो एटलीस्ट मैं उसे ट्रैक कर सकती हूँ। वॉक्सवैगन पोलो में जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता था ना, वो आता था ग्राउंड क्लियरेंस का। तो अभी इसके साथ में इन्होंने 188 के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, तो बहुत अच्छा है। मतलब क्योंकि इंडियन रोड्स हैं यार, और कभी मुझे मालूम है मेरे को ये रामनगर से हल्द्वानी डेली कई बार अप डाउन करना पड़ जाता है, रात में दिन रात कभी भी करना पड़ता है। अभी तो रोड सही हो गई है। जो ग्राउंड क्लियरेंस की कमी थी ना मेरे को फिगो के साथ में एक महसूस हो रही थी, वो अभी इसके साथ कम्प्लीट हो चुका है। सो अभी हम लोग बात करते हैं आप कार के मीटर की। तो इसमें जो एनालॉग मीटर दिया हुआ है एंड आप लोगों को देखो सामने पे काफ़ी सारे इंडिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को इसमें रेंज इसकी मतलब कितने पेट्रोल पे कितना चल सकती है अभी जितना हमारे पास तेल है एंड काफ़ी और चीज़ें। और साथ साथ में स्टीयरिंग में आप लोगों को कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह कॉल उठाने वाला एंड काफ़ी चीज़ें फीचर्स हैं जो कि आप लोग स्टीयरिंग के थ्रू कर सकते हो। ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है जो कि दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीरियसली यार, ये फीचर तो मुझे बिल्कुल मतलब एक्सपेक्ट किया था कि इतना हाई प्राइस पे करने के बाद में आपको सब कुछ डिजिटल मिलेगा ये, लेकिन स्टिल जो है ये सब डिजिटल ना होके एनालॉग है। तो ये एक थोड़ा सा है। अभी इसके हाई वेरिएंट में जाओगे तो क्रूज कंट्रोल वगैरह की सारी जितना भी है आपको वो सब भी फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, सब इसमें नहीं है। सो इंडिकेटर की बात करें तो आप लोगों को लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेफ्ट राइट आप लोग सामने मीटर में देख सकते हो, यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है। एंड इस साइड पे जो है आप लोगों को देखने को मिलती हैं लाइट्स के लिए, हाई बीम लो बीम एंड बाकी जो है और फीचर्स जो है सारे के सारे यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रंट में आप लोगों को एसी के चार वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक ड्राइविंग साइड पे, एक साइड पे एंड दो जो है आप लोगों को सेंटर पे देखने को मिल जाते हैं। एंड एसी के लिए पीछे रियर में जो है दो वेंट और हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके गियर की, जो कि काफ़ी लोगों को जो है ना काफ़ी अलग लग सकता है, बिकॉज इसमें रिवर्स जो है आगे है, रिवर्स गियर जो है इसमें आगे है एंड बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे को भी काफ़ी परेशानी हुई थी फर्स्ट डे इसको ड्राइव करने में, बिकॉज मैं ना जब जो फर्स्ट गियर होता है ऐसे मैं सोचता था कि ये रिवर्स गियर है, मुझे ये पता नहीं था कि इसमें जो रिवर्स है वो प्रेस करने के बाद आप ऐसे डालोगे तब ये रिवर्स पे आएगी एंड आपका कैमरा जो है सामने ऑन हो जाएगा। सो ये जो है एक परेशानी हो सकती है अगर कोई नया लेता है तो, बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो फ्रंट पे आप लोगों को जो है इसमें दो के दो हैलोजन देखने को मिल जाती हैं, एक हाई बीम पे एंड एक लो बीम पे। एंड सामने में जो आप लोगों को एक नीचे फॉग लैंप पे आप लोगों को एक क्रोम वाली ग्रिल देखने को मिलती है जो कि काफ़ी यूनिक सी लगती है देखो देखने में। एंड दोनों साइड पे सेम चीज़ है और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उस पर आप लोगों को जो है एलईडी देखने को मिलती है, इस पर आप लोगों को हैलोजन देखने को मिल रही है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है इसके हिसाब से। एंड बाकी प्राइसिंग के हिसाब से मैं बात करूँ तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। मैं आप लोगों को बूट स्पेस दिखाना भूल गया था, बूट स्पेस दिखाता हूँ। ये पीछे बूट खोलना, इसका इसका बूट खोलना, सो ये ऐसा कुछ है इसका बूट जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ अंदर जाके, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई। देखो इसमें आराम से जो है ना दो आदमी बैठ भी सकते हैं, सामान तो बहुत दूर है भैया, इसमें दो आदमी भी बैठ सकते हैं, मैं खुद इसमें फिट आ सकता हूँ अकेला और कंफर्टेबली जो है मैं इसमें सो के जा सकता हूँ, तो इतना अच्छा इस पर बूट स्पेस है और बहुत बढ़िया। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया, एकदम प्रीमियम सी आप लोगों को इस गाड़ी के साथ फील आने वाली है भाई अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो। सो अपने पास ये गाड़ी थी यार, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है भाई गाड़ी की, फर्स्ट टाइम गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी दी ने आप लोगों को बहुत चीज़ें बता दी बिकॉज उन्होंने पूरी चीज़ें सोच समझ के एंड देख के पूरी गाड़ी जो है खरीदी है। सो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है भाई, बाकी इसलिए कुछ मत कहना और जैसा भी मेरा रिव्यू रहा होगा, बाकी मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आराम से आप लोगों को साइड में आके बता दूँ कि हमने गाड़ी ली है तो यार इसका रिव्यू करना तो बनता है ना। सो एक चीज़ मेरी छूट गई थी जो कि है इसमें जो इंजन है ना वो इसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है और इसमें पेट्रोल इंजन ही आते हैं, इसकी लोअर में भी एंड इसके हाई में भी इंजन है इसका, हाँ इंजन एंड तीनों वेरिएंट में आप लोगों को पेट्रोल ही इंजन देखने को मिलता है, डीजल में ये नहीं अवेलेबल। सो अभी आप लोगों को इसमें जो है एक मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक जो है वो इसके जीटी प्लस वेरिएंट में देखने को मिलती है जो इसका सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है। हाँ इसमें भी है ऑटोमेटिक, इसके जीटी प्लस में है, मतलब इसमें दो वेरिएंट आते हैं मिड में भी,
इसमें तो ये मिड वेरिएंट में भी आप लोगों को जो है दो देखने को मिल जाते हैं मॉडल, जिसमें आप लोगों को एक ऑटोमेटिक एंड एक जो है मैनुअल देखने को मिलता है। सो जीटी में जो है आप लोगों को मैनुअल दिखता है एंड जीटी प्लस में आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक जो है इसमें ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। मैं इसके अगर इंजन की बात करूँ ना, तो इसमें 1 लीटर इंजन है अभी जो मेरा ये कम्फर्ट लाइन वाला है, और हाईलाइन इसका जो इसका जो हाईलाइन है, इसका कम्फर्ट लाइन, हाईलाइन एंड टॉप लाइन तीनों में ही 1 लीटर जो इंजन अवेलेबल है, TSI बेसिकली टर्बो, इसका तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। क्योंकि पहले मैं सोच रही थी यार 1 लीटर के इंजन में मैं इतनी हैवी कार ले रही हूँ, तो पता नहीं परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसका। अगर मेरी हस्पे कभी ड्राइव करने का मतलब सिचुएशन आता है, तो उसमें ये इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा वेदर, और इतना पावर इसमें है या नहीं है। लेकिन क्योंकि TSI इंजन है तो इसका पावर भी काफी अच्छा है, एंड इसके टॉर्क की बात करूँ तो भी अच्छा है। एट द स्पीड ऑफ 85 ना, ये अराउंड 115 के आसपास का ये BHP का पावर जनरेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉर्क भी इसका अराउंड 178 के आसपास का है, तो अच्छा है। मतलब आप काफी अच्छा ना हिल्स में इजीली ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी स्टीप हो और चढ़ सकता है गाड़ी इजीली। ये एक टेंशन का विषय हो जाता है अदरवाइज ना, कि गाड़ी कभी फिर आपको पहाड़ जाना है तो फिर गाड़ी जो है बुकिंग पे लेके। बिल्कुल, ओवरऑल मतलब अगर फीचर्स की बात करें तो क्रेटा अच्छी है, बट हाँ ये मतलब इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी गाड़ी मुझे लगी। एंड ओवरऑल आप लोगों ने रिव्यू देखा हमारा, हम लोग देखो उतना जानते नहीं है गाड़ी के बारे में, फर्स्ट टाइम हमने सोचा कि हमने गाड़ी ली है तो हम आप लोगों को बता सके कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी के साथ। बाकी टेक्निकलिटीज इतना मैं स्टार्टिंग से ही ना कि टेक्निकल, बट मेरे को बिल्कुल नहीं है दीगो, फिर भी बहुत ज्यादा है। कि मुझे गाड़ी का दी आप प्लीज रिव्यू दे दो, तो मैंने कहा रिव्यू यार मुझसे ऐसे ले लो, एक तो कैमरा एंड ऑल इसका ये पैशन इसका है, बड़ी का है, तो मैं बोली यार तुम खुद रिव्यू कर लो। बट इसने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा, क्योंकि आप ड्राइव किए हो, हालांकि मैं भी ज्यादा ड्राइव नहीं की हूँ, मेरे ख्याल से अभी तो जितना मैंने चलाया उतना इसने भी चला लिया है, आई थिंक गाड़ी दोनों ने बराबर ड्राइव कर ली है, तो उतना ही है। लेकिन हाँ मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी लिया है तो कुछ देख के लिया होगा, तो शायद जब कोई खरीदने जाता है भी ये भी कुछ लेने जाएगा ना, तो उसके काफी सारे प्रो कॉन्स और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में उसको लेगा। तो सेम विद मी कि मैंने इसके सारे प्रो कॉन्स और इसके जो फीचर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने सारे के सारे काफी एक्सप्लोर किए थे, और अल्टीमेटली जाना मुझे शायद ना कुछ भी देख के, मैं लौट के बुद्धू घर को आई वाली बात थी, मैं वॉक्सवैगन पे ही आई, मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी, मैं बहुत जगह गई देखने के लिए, लेकिन 100 चीजें देखने के बाद मैं भी ना बार बार फिर मैं बैक टू वॉक्सवैगन ही आ गई हूँ। तो बाकी जो है आप लोगों ने रिव्यू देखा, आप लोगों को कैसा लगा यार, हम लोग देखो उतना जानने वाले नहीं है, बट जितना हमसे हो सकता है हमने किया, एंड बाकी आप लोग बताने की आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बाकी मेरे को गालियां मत देना कि आता कुछ नहीं, भी नहीं होता है अभी मेरे को सच में बिल्कुल गाड़ी के बारे में पता नहीं है। अगर अभी आपको बाहर का व्यू दिखाएगा ना, तो शायद हम लोग अभी कतई जंगल में आ रखे हैं, मेरे घर के पास में ही हम लोग इधर कतई जंगल में है, मतलब ना आसपास अभी हिरन विरन और पता नहीं क्या क्या आंखें दिख रही है जानवरों की, तो चलो यार निकलते हैं अब टाइम, तो अभी बहुत लेट हो चुके हैं, और इतनी लेट में ही मुझे लेके आया है रिव्यू कराने के लिए, बिकॉज कल को दी को जाना है ना ड्यूटी, वापस रिटर्न जाना है उनको, मैंने से बोला गाड़ी घर पे रहेगी तू जा लेके जा रिव्यू कर ले, बोला नहीं रिव्यू मैं क्या दूंगा, आप दो ना चला आप रही हो, क्योंकि मेरे को ना उतना नहीं है नॉलेज, इसलिए मैंने कहा दी देगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एंड मुझे काफी अच्छा लगता है कि दी मतलब कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो सही लगता है, मेरा एक्सप्लेन करने का वे थोड़ा सा अलग है। सो चलो निकलते हैं अभी हम अपन वापस घर, एंड